मैं खालिस्तान का बिल्कुल विरोध करती हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि पहली बात तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुर्दाबाद की किसी को नॉलेज नहीं दी हुई। खालिस्तान मुर्दाबाद देश में कोई नारा लगा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूल मैं भी खुद भी लगाऊंगी। इतनी खून भाई है 1984 का, देखा आपको पता है हालात। मैं खुद बताती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ मेरा दिल रो पड़ता है इस चीज के लिए कि देश के अंदर 1984 में गंगा के किनारे जहाँ गुरु नानक देव जी आए, वहां पर आके जब उनके जो गुरुद्वारा साहब था ना, उस तक को हुकूमत ने तोड़ के गंगा में बहा दिया था। 10 तार केशों के ऊपर किसी को अधिकार नहीं है सर। ये वो खालसा पंथ है, ये वो गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है जिसने देश के लिए काम किया, मानवता के लिए काम करते आए। उन्होंने कभी अपना प्रोविजन नहीं देखा कि ये कोई सनातनी है या मुसलमान है, हमेशा आगे आए। आज जो आज इतनी शहादतें हुई है, सिख रेजिमेंट पाकिस्तान भी हारने के बाद बोलता है कि आज हमारी हार हुई है सिख रेजिमेंट के कारण हुई है। आज सिख समाज का कहां योगदान नहीं है मुझे ये बताइए। मेरी लड़ाई जो है वो ये है कि पंजाब के अंदर, पंजाब का सुनो, पंजाब के अंदर पानी का पैसा नहीं दिया जाता, ये आप भी गवाह हो इस चीज के। भारत सरकार हमारी पंजाब को पैसा नहीं देती, हमारे पंजाब के बच्चे बाहर विदेशों में सेटल, आपने देखा होगा 12वीं करते पंजाब का बच्चा बाहर जाता है, क्यों? रोजगार ही नहीं है, पानी तक का पैसा मेरे पंजाब को नहीं दिया जाता। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, भारतीय सेना का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी जो बना था वो कौन थे आपको पता होना चाहिए, सरदार जी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज जो थी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दी थी। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की 90,000 फौज को बैठाने वाले आप मेरे को ये बताओ कि सिख समाज ने कौन सा गुनाह कर दिया जो हमारा भारत वर्ष की हुकूमत है उनके पीछे पड़ी हुई है। आज खुलासा क्या है? खुलासा यही है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री तक आप लोग ये बात पहुंचाओ कि भेदभाव ये राजनीति करना छोड़ दो। इस देश के नौजवान अभी जिंदा हैं और नौजवान इस चीज के लिए लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी राष्ट्र की बात हो, हमारा देश ही भारत है, हम इसमें किसी कोई बदलाव नहीं होने देंगे। रही आपने क्वेश्चन पूछा खालिस्तान का, मैं खालिस्तान का बिल्कुल विरोध करती हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि पहली बात तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुर्दाबाद की किसी को नॉलेज नहीं दी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सर मेरी बात सुनिए, मैं करती हूँ लॉ एंड ऑर्डर से बात। खालिस्तान मुर्दाबाद देश में कोई नारा लगा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूल मैं भी खुद भी लगाऊंगी, ठीक है? एक बार बताइए सर, इनकी इतनी खून भय है 1984 का, देखा गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब से, आपको पता है हालात। मैं खुद बताती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ मेरा दिल रो पड़ता है इस चीज के लिए कि देश के अंदर 1984 में गंगा के किनारे जहाँ गुरु नानक देव जी आए, वहां पर आके जब उनके जो गुरुद्वारा साहब था ना, उस तक को हुकूमत ने तोड़ के गंगा में बहा दिया था। आज श्री राम जी के लिए आवाज उठाते हैं, मैं भी उसकी आवाज उठाती हूँ, देश में बनना चाहिए। लेकिन सम्मान तो करते हैं, कहाँ करते हैं सर, मुझे एक दिखाओगे सिखों का सम्मान क्या चाहिए आपको सर, ये बताओ सम्मान में, एक बार बताओ मेरे देश का, एक मेरे देश की दस्तारों को आज यहाँ शर्मसार किया जाता है, मेरे देश के गुरुद्वारा साहब काम करेगा उससे सजा मिलती है। दस्तार केशों के ऊपर किसी को अधिकार नहीं है सर। ये वो खालसा पंथ है, ये वो गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है जिसने देश के लिए काम किया, मानवता के लिए काम करते आए। और मैं कहना चाहती हूँ, आज जहाँ भी बात आई है सिख समाज की, उन्होंने कभी अपना प्रोविजन नहीं देखा कि ये कोई सनातनी है या मुसलमान है, हमेशा आगे आए। और मैं सनातन धर्म से कहना चाहती हूँ, हमें सभी धर्मों ने किया है वो तो, मैं तो कहती हूँ धर्मों से करो, मैं वही कह रही हूँ सर। आप इसको मेरा मतलब है, मेरी आवाज अब सरकार तक, मेरी आवाज बन के जाओ। आप लोग में बहुत ताकत है, आप लोग को चौथा स्तंभ माना जाता है। मेरी सिर्फ बहस करने का मुद्दा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हुकूमतों को, जिस सरदार कौम के साथ आप भेदभाव करते हो, महाराजा रंजीत सिंह जैसा लाओ ना यहाँ पे शासन। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में पता है आपको, ना किसी के मस्जिद तोड़े गए, ना गुरुद्वारे तोड़े गए, ना किसी की मंदिर तोड़े गए, सबको समान रखा गया। महाराजा रंजीत सिंह जिस दिन इस दुनिया से गए थे उसी दिन कब्जा हो गया था। आप हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हुकूमत हो। आप महाराजा रंजीत सिंह जैसा क्यों लाते, युवाओं को क्यों भिड़वा रहे हो? आज मुझे दुख होता है देख के, जब हम 4 लोग बैठे हो और वहां पर भी बात चलती है जब धर्मों की, हमारा धर्म एक है इंसानियत। और मैं कहती हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, सुनो, आज मैं सबके सामने कहती हूँ मैं इंसान हूँ, मेरे को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। मैं सिख धर्म का प्रचार इसलिए करती हूँ क्योंकि हमेशा हमारे बड़ों ने सिखाया अपने धर्म में रहकर दूसरे धर्म जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो, सरकार तो बनी अभी है डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के साथ, आज ना मैं बताऊँ आपको एक और मांग उठ रही है पंजाब में, एक
हिंदू मुख्यमंत्री होना चाहिए, शायद देखा होगा आपने, अभी चल रहा है मुद्दा कि सरदार नहीं होना चाहिए। आज पंजाब का एक मुख्यमंत्री सरदार है, उसके ऊपर भी नजरें डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत रूप से सिख समाज ये आपके साथ है, ये लोकतांत्रिक देश है और भारतवर्ष में सबको बोलने का अधिकार है। और जितना शायद हम सोचते हैं, जितना मैं इस समाज में रही हूँ, आज मैं जब से गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड में जुड़ी हूँ ना, और जब से मैंने गुरु का प्रचार करना शुरू किया है, मैं जानती हूँ सिख समाज का दर्द। ये सिख समाज अंदर से मायूस होता है कि हमने देश के अंदर इतनी शहादतें दे दी, हमने देश के अंदर इतना कुछ कर लिया, लेकिन हमें कहाँ है, हमारा सम्मान कहाँ है। आज मैं इसलिए मैं इस देश के सिख समाज की आवाज बन के खड़ी रहूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कहीं भी प्रचार कीजिए। बिल्कुल, अगर लेके चलती है तो मीडिया आपके साथ है, हमारा ये कहना है। बिल्कुल, आप लोग मेरी आवाज बनिए, आप लोग सरकार तक आवाज उठाइए। इसके बाद में आगे सर, आगे की मेरी रणनीति है कि जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हम डीजीपी साहब से मिलेंगे अभी, और उनको भी अपील करेंगे कि श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने उस लाल किले के सामने अपना खून बहाया, उस लाल किले के सामने शहादत दी है, उनका एक चित्र जो है प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस में लगना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के रूम में लगेगा, लोगों को पता चलेगा गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है, क्योंकि हमारे लोग अवेयर नहीं है। और हमारा जो मैटर है वो आज भी यही है कि आज हमारे गुरु तेग बहादुर जी राष्ट्रपिता है, उसको डिक्लेयर करना चाहिए सरकार को, और उनको जो है ना बड़ी बड़ी स्टेज पे खड़े हो गए ये ना बोले कि सिखों के नौवे गुरु, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो कहती है सिखों के नौवे गुरु। वो हमारे देश के राष्ट्रपिता है। क्या गांधी जी ने चरखा चला के आजादी जीती थी? क्या उन्होंने बंदूकें चला के आजादी जीती थी? आज जो ये संदूर और बिंदी की हम बात करते हैं ना, जो आज ब्राह्मण आज तिलक लगाते हैं, जो गुरुद्वार आज हम मंदिरों में गीता पढ़ रहे हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी की देन है। आज गुरु तेग बहादुर जी का नाम अगर कोई नहीं लेता, देश का सबसे बड़ा गद्दार है। आखिरी प्रश्न आपसे, सिखों के बारे में आपने कहा बहुत नेक है, कोई फर्क नहीं, गुरुद्वारे हैं, लंगर लगता है, नेक आत्माएं हैं, सबसे ऊपर भी आप कह सकते हो, पंजाब में सिखों की सरकार है, सिख मंत्री है, और सबसे बुरा हाल हमारे पूरे भारत में पंजाब का है, नशा जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके। अब आप बताइए कि वहाँ सिख नहीं है क्या? देखिए, पहली बात तो नशे से मुखिया सिख है वहाँ पर। अगर नशे की बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, नशा बंद कर देना चाहिए। कोई सिख ये कोई पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। सर क्या बात करते हैं? सर आप हरियाणा आपके लोग, आप एक आज ना आप करनाल की करप्शन की रिपोर्ट लो, आप हर थाने की रिपोर्ट लो, हर थाने के अंदर आप ये देखो कितने पर्चे आपके नशे के दर्ज होते हैं, आप हर चौकी की ले सकते हैं। मैडम, सिखों का राज है पंजाब में, सबसे बुरा हाल है वहाँ पे इस देश। आप कह रहे हो कि सिख ये कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ इस देश में सिखों का राज होना चाहिए, पूरे देश पे होना चाहिए। मतलब नशा पूरे देश में बिके? नहीं, मैं तो सिखों का राज कही है, नशा तो नहीं गई, नशा पूरे भारतवर्ष में। नो सर, नो सर, मैं तो कहती हूँ देश के अंदर एक सिख राज होना चाहिए, ताकि मानवता के लिए काम किया जाए, यहाँ के सांसद भी सिखो, यहाँ के जो है एमएलए भी सिखो, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि प्रधान बने हैं बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ये सर, मैं कहती हूँ हुकूमतें कुछ भी करवा सकती है, ठीक है। आज मेरा कहने का यही मतलब है कि सरदार कौम जो है ना सबसे बेस्ट कौम है, और इसका सम्मान हमारे देश को करना चाहिए, बस। पंजाब में बेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं आते सर? आएंगे, ये पानी का खर्चा तो दें, सरकार क्या करेंगे, बच्चे नशे में ही जाएंगे। यहाँ आप पूरी तरह से गलत हो, सर्वश्रेष्ठ है सर, सिख कौम श्रेष्ठ है, पंजाब में बहुत बुरा हाल है, पूरे साथ मैं बताऊँ, पूरे देश की सबसे ताकतवर कौम आज मैं बताती हूँ सरदार कौम है, सरदार कौम से अलग नहीं है, ठीक है ना। आपका अपना मानना है? मेरा अपना मानना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे।